तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बिहार के थाने में होने वाली काउंसलर की बहाली के बारे में। जी हाँ, लेटेस्ट न्यू अपडेट्स आज की आई हुई है। जानेंगे इस वीडियो में क्या अपडेट्स हैं। वीडियो में बने रहिएगा ताकि सभी जानकारी बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप लोग को यहाँ पे पता चल सके। आइए न्यूज़ नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आप लोग को अत्यधिक जानकारी बताते हैं। तो देख पाएंगे थाने में काउंसलर के 213 पदों के लिए 2000 से अधिक आवेदन अभी आए हुए हैं। जी हाँ, आप लोग को बता दें, महिलाओं को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने और पारिवारिक मामले को काउंसलर से जो है सुलझाने के लिए महिला बाल विकास निगम द्वारा जो है अंचल स्तरीय थाने पर काउंसलर की नियुक्ति हेतु के लिए आप लोग का आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन निकाल के ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। बीते दिन जब आवेदन प्रक्रिया संपन्न हुई तो पता चले कि 2000 से अधिक जो है आवेदन आए हैं, ये सूचना भी निकल के आई है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे, लगभग जो है 2700 आवेदन जो अभी निकल के आ रही है, ये लेटेस्ट अपडेट है। इससे जुड़ी आगे जो अपडेट निकल के आते रहेगी, हमने आप लोग को सूचना देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।